अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वैस नकीबी और आप देख रहे हैं नकीबी व्लॉग। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी कहानी लेके हाज़िर हुआ हूं जो आपको आपके बचपन की याद ताज़ा करवा देगी। नाज़रीन, मेरे साथ अल्लाह दिता साहब मौजूद हैं जो कि 14 से 15 साल इनकी जो कारोबारी ज़िंदगी है उसका जब आगाज़ हुआ तो तब से ये कई किलोमीटर पैदल सफ़र करते हैं और ये इनके पास एक डोली है जो ये मतलब बच्चों को एक खिलौने के तौर पर उसका इस्तेमाल करवाते हैं और फिर उसके साथ अपना कारोबारी सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। और ये कितने अरसे से कर रहे हैं और अब इस 2023 में क्या निज़ाम हो रहा है, किस तरह की मुश्किलात इनको पेश आ रही हैं, सारी बातें इनसे करेंगे। अल्लाह दिता भाई, कितना हो तुसी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र माल। अच्छा, तो कितने अरसे तो ये डोली वाला जरा कारोबार कर रहे हो तुसी? 15-16 साल। तो ये डोली कितने दी खरीदी सी तुसी? 7-8 हज़ार दी खरीदी। तो कितना सफ़र करते हो डेली का, कितने किलोमीटर पैदल सफ़र करते हो? 10 किलोमीटर कर जी। आसानी दे नाल इजीली हर रोज़? हाँ जी। बिला नागा? हाँ जी। तो कितने बजे घरों निकलते हो, मतलब अपने काम का आगाज़ कितने बजे करते हो? सुबह 6 बजे आ जाइए। अच्छा, उस बाद शाम 6 बजे तक करी। शाम 6 बजे तक? हाँ जी। तो मैक्सीम कि दिहाड़ी पै जाती है डेली की ती? 700-800 रुपया बस। तो किदा हूँ वाला दौर जरा 2023 चल रहा है? पहले दौर बड़ा अच्छा होंदा सीगा, नॉर्मल जे लोग सीगे, मोबाइल वगैरह नहीं आए सीगे। हूँ मैं देखता वा कि बाजारों के जो बच्चे ने वो भी नहीं मतलब फिरते तुरते घर ही रेंदे ने ज़्यादातर। तो पहले वाला दौर तो हूँ वाले दौर में की फर्क वेखते हो अपने कारोबार के सिलसिले के मुतालिक की कहना चाहोगे? काफ़ी फर्क पै गया जी। पहले तो बहुत अच्छी जिंदगी सी, हूँ बड़ी औखी गुजरती जी। अच्छा, बहुत गुजारा जानि कि मुश्किल घर का होंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों का किस तरह के नाल इंट्रस्ट वा ते इस पंगूड़े दे नाल, किन्ना मतलब दिलचस्पी है बच्चों की? बहुत ही, बच्चों के जरिए इधर जी चल रही। अच्छा, तो ज़्यादातर कैस मतलब दिन इतवार पीर मंगल कैस दिन ज़्यादा कमाई हो जाती है, मतलब अच्छी दिहाड़ी लग जाती है? इतवार वाले दिन इतवार वाले दिन छुट्टी होती बच्चों तो दिहाड़ी अच्छी बन जाती। तो ये किन्ने मैं देख रहा वा ये सिर्फ 2 सीटा ने, यानी कि 2 स्टैप है। एक डोली दे किन्ने फंक्शन होंगे ने, किस तरीके गर्दिश कर दी? हाथ दे नाल जां हाथ नाल चलाई दी? अच्छा, हाथ दे नाल वर्जिश होंगी है? हाँ जी, बस 12 बच्चे बैठ जाते। अच्छा, 12 बच्चे बैठ जाते हैं। तो ये जरा दौर है हूँ 2023 का दौर, तो ये तुम देख रहे हो कि जो मतलब बच्चे ने घट वाधी घरों निकलते हैं, फिर भी मतलब कि मैक्सीम कि दिहाड़ी पै जाती है? 800-900 बन जाता है। तो गुजारा किस तरीके हों? गुजारा बहुत हो जाता लेकिन औखा होंगे। अच्छा जी, बहुत औखा होंगे। तो इतों हूँ तुम मतलब वापस घर जाना है, मतलब अपने जो पिंडा का रोड है वह लगा के अपने तुम वापस घर जाना है? तो जाती बार भी इस तरीके मतलब लो दो जो बच्चे ने उन्होंने देंदे हो तुम यह जरा पंगूड़े का झूले वगैरह दे के जाते हो कि मतलब कि इस तरीके बस घर चले जाते हो? हाँ जी, उतार दी तो बच्चे टाइम ज़्यादा या फिर बच्चे ला के चले जाए। कभी ये खतरा महसूस होया है कि मतलब कि बच्चा गिर ना जाए, ये की सेफ्टी है ये भी दसना जरा? ये चलाने वाले की होंगी है जी हिम्मत। अच्छा। उस तरह वैसे जे अगर अनजान बंदा चलाएगा जी जी तो जहाँ तो बच्चे का सिर पाड़ देगा या फिर बांह तोड़ देगा, ये बहुत औखा काम है जी। अच्छा, आम बंदा इनू नहीं चला सकता। अच्छा, तुम यदि ट्रेनिंग भी लई है? हाँ, बहुत। कितने लई है, कितों लई है, कितनी देर तुम ट्रेनिंग लई है? ये मेरा उस्ताद से एक जिन्हें मैं जानि कि चलाना सिखाया से। अच्छा, वो शहर च चला रहा, मैं पिंड चला रहा। अच्छा, तुम पिंड शहर दे वो शहर च चला रहे? ठीक हो गया। हुकूमत को की अपील करना चाहोगे होने वाला जो मुश्किल दौर है, वो की अपील करना चाहोगे तुम? हुकूमत के बारे ये कहेंगे हुकूमत गरीबों का सोचे, वो गरीबों वास्ते कोई नौकरियाँ कढ़े, कोई कारोबार कढ़े, कोई उन्होंने वास्ते आसानी करे। वैसे पेट्रोल महंगा होंदा है, कभी सस्ता होंदा है, ताड़ी ये जरा पंगूड़ा है ये तो पेट्रोल से चलता नहीं, तो तुहानू उहदे जिहड़े मतलब जरा असर होंदा है पेट्रोल का, उहदा ताड़ी सेहत भी कोई असर पैंदा है, ताड़े कारोबार ते भी कि नहीं पैंदा है जी? क्यों, किस तरीके दे नाल? इस तरीके नाल कि जो पेट्रोल महंगा होंदा, हाँ हाँ, उदो हर शाय महंगी हो जाती, किराए महंगे हो जाते हैं, आटा महंगा हो जाता, कहते नहीं पेट्रोल तो हर शाय आ रही। तो जिहड़ियां मतलब चीज़ां ने रोज़ाना दी मतलब बेस दे उत्ते जिहड़े जिंदगी दियां जिन्नियां भी बुनियादी चीज़ां ने, आटा हो गया, खाण पीन दे मुतलक हो गया, बड़ी मुश्किल दे नाल तुहानू अफोर्ड करनियां पैंदियां इस तरीके नाल? जिहड़ी कि मेरी जिहड़ी जिंदगी ना, उह सिर्फ इह कि मैं अपने घर दा सर्कट चला रहा वां, लेकिन कहो ना कि जुत्ती नवीं लै ली, कपड़ा नवा लै लिया, घर नवा लै लिया, वह नहीं है जी। ठीक हो गया। सिर्फ रोटी पानी जिहड़ी कि घर दा, बच्चों का खुशी गमी,
ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਲਸਿਲ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੇਲੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਝੂਲੇ ਦੇ 60 ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਝੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪਕੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਨਿੰਗ ਟਾਈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸੇਫ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਐਸਾ ਹਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏਗਾ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ